देखो भाई, हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में, लाइट को क्या मानते थे? रे मानते थे। मैंने कहा भी था कि रे कब मानते हैं, जब ऑब्स्टिकल या अपर्चर का साइज क्या हो, काफी बड़ा हो। जब ऑब्स्टिकल या अपर्चर का साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ होता है तो हम लाइट को रे नहीं ट्रीट करते, तब क्या ट्रीट करते हैं? वेव ट्रीट करते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो नाउ लाइट विल बी treated as wave, light के wave nature को पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब इस चैप्टर में हमें तीन फिनोमेना पढ़ने मेजरली, कौन कौन सा पढ़ना है? पहला इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। ये तीन पढ़ने के लिए। ठीक है, इतनी बात। अब मैंने आपको वेव फ्रंट और रे बता दिया था पिछले चैप्टर में कि पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट क्या होंगे? कंसेंट्रिक स्फेयर्स होंगे, जो रेज होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक है, इतनी बात। अगर सिलेंड्रिकल सोर्स है तो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हमारे वेव फ्रंट होंगे, रेज सिलेंड्रिकली रेडियल होंगे। ठीक है, आउटवर्ड। अगर हमारे पास सोर्स एट इन्फिनिटी है तो वेव फ्रंट पैरेलल प्लेन्स होंगे और रेज क्या होंगी? पैरेलल रेज होंगी, परपेंडिकुलर टू दोस प्लेन्स। ठीक है, इतनी बात। चलो दोबारा से कर लेते हैं इस बात को। इतना नोट कर लिया सबने? जुबिन, पोलराइजेशन बोर्ड में से कैंसिल हुआ है, अभी मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं, नीट में क्या आएगा या जेई मेंस में क्या आएगा, जब वो सिलेबस आ जाएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, इतनी बात। अभी तो हम जो हमें पहले पिछले साल का सिलेबस उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, लिखो जरा, लिखो हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। अब लिखो जरा, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहते हैं? From primary source, wavefront is emitted. From primary source, wavefront is emitted, and wavefront is locus of all adjacent points vibrating in same phase for a physical quantity associated with wave. मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास पॉइंट सोर्स है, ये एक हमारे पास क्या है, पॉइंट सोर्स है यहां पर, तो जो वेव टाइम जीरो पे एमिट हुई टी टाइम बाद वो कहां पहुंच गई, ये स्फीयर बन गया, ये वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हो गया या ये हो गया, इन सब का फेज क्या है? सेम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये बात बोली गई। ठीक है, अब तो ये हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट हमें पता है और पॉइंट सोर्स ये पहले ही पढ़ चुके हैं। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट।
ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल में? लिखो, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट बिहेव्स एज, बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स प्रोड्यूसिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कॉल्ड एज वेवलेट्स, प्रोड्यूसिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कॉल्ड एज वेवलेट्स। क्या कहा मैंने, मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा कि इस वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट एक सेकेंडरी क्या बिहेव करेगा, सोर्स का, जो खुद क्या करेगा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। अब अगर पॉइंट है, कैसी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, स्फेरिकल करेगा, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं, वेवलेट कहते हैं। ठीक है, बना देता हूं, जैसे प्रोड्यूस करेगा हर पॉइंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट, फॉरवर्ड एनवलप ऑफ दीज वेवलेट्स, फॉरवर्ड एनवलप ऑफ दीज वेवलेट्स, मतलब इनका आगे वाला एनवलप, ठीक है, फॉरवर्ड एनवलप ऑफ दीज वेवलेट्स विल गिव अस सक्सेसिव वेव फ्रंट, will give us successive wavefront। मतलब अगर मैं इसका ट्रेस बनाऊं फॉरवर्ड वाला, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, अगला वेवफ्रंट मिल रहा है, हाँ या ना, ये मुझे क्या मिल जाएगा, अगला वेवफ्रंट मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो जरा। तो क्या लिखा हमने, फॉरवर्ड एनवलप ऑफ वेवलेट्स गिव्स अस सक्सेसिव वेवफ्रंट। ऋतिक, मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड एनवलप ऑफ वेवलेट्स विल गिव अस सक्सेसिव वेवफ्रंट। ठीक है, अब जो रेज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, वेवफ्रंट के नॉर्मल। चौथा पॉइंट लिखो जरा, रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेवफ्रंट, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज और बेटा, ये कहानी आ गई। अब अगर हम देखें इसके लिए सोर्स एट इंफिनिटी की बात करें, सोर्स एट इंफिनिटी की बात करते हैं तो हमें पता है क्या बन जाता है, वेव फ्रंट्स क्या है, ये एक पैरेलल प्लेन है, ठीक है, अपनी बात, और ऐसे करके हमारी क्या हो जाती है, रेज हो जाती है, ये रेज हो गई और ये वेव फ्रंट हो गई। अब अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट्स लेता हूं और उन पॉइंट का क्या बनाता हूं, सक्सेसिव वेव फ्रंट या वेवलेट, देखो ये वेवलेट्स बनाए मैंने और इन वेवलेट्स का फॉरवर्ड ट्रेस मुझे क्या दे देगा, अगला वेव फ्रंट दे देगा कि नहीं दे देगा, तो यस और नो, तो क्या बन गया, अगला वेव फ्रंट बन गया, इसके बाद अगला बन जाएगा, अगला बन जाएगा, ऐसे बनता रहेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो वेव फ्रंट बनाना बड़ा आसान है। आपको एक कोई वेव फ्रंट का सर्फेस पता है, उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स दो, उन पॉइंट्स पर क्या बनाओ आप, स्फीयर बनाओ, और उन स्फीयर्स का क्या फॉरवर्ड एनवेलप आपको क्या दे देगा, अगला वेव फ्रंट दे देगा। क्लियर है? अब हम जो कुछ पढ़ेंगे तो सारा का सारा किसके फॉर्मेट में पढ़ेंगे भाई, वेव फ्रंट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी बात। अब लिखो जरा, शेप ऑफ वेव फ्रंट्स
आफ्टर ऑप्टिकल डिवाइस, मतलब कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है ऑप्टिकल डिवाइस से पास होने के बाद, आफ्टर पासिंग थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। पासिंग भी गलत है, पासिंग तो सिर्फ किसमें होगा, रिफ्रैक्शन वाले में, रिफ्लेक्शन वाले में तो क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो आप सिर्फ लिखो शेप ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। वेव फ्रंट का शेप ऑप्टिकल डिवाइस के बाद कैसा होगा ये बात कर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बैकवर्ड एनवलप क्यों नहीं लेते हैं, ले लिया बैकवर्ड एनवलप, तो बैकवर्ड एनवलप लेगी तो बेटा तो तुझे इससे भी पहले वाला क्या मिलेगा, वेव फ्रंट मिल जाए, ठीक है। मतलब उसका तो पर्पज ही नहीं था, हमें तो आगे बात करनी है, ठीक है। तो अगर बैकवर्ड एनवलप लोगे तो जो वेव फ्रंट आपने ली थी उससे भी पहले वाली क्या मिलेगी, वेव फ्रंट मिलेगी, ठीक है। इतनी बात, तो उससे कोई पर्पज है नहीं उसका। अब क्या कहानी, मैंने क्या कहा, शेप ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, मैं जितने भी ऑप्टिकल डिवाइस लूंगा अभी उनमें सब में सोर्स कहां पर होगा, इंफिनिटी पर। तो जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगी कैसी होगी, प्लेन वेव फ्रंट होगी, हाँ या ना। अरे भाई मैंने क्या कहा आपसे कि मैं कौन सी वेव फ्रंट, कौन सी वेव फ्रंट ले रहा हूं जिसका सोर्स कहां पर है, इंफिनिटी पर। क्या कहा, टेक वेव फ्रंट्स ऑफ सोर्स एट इंफिनिटी एज इंसिडेंट वेव फ्रंट, कौन सी हो गई, एज इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। ये कौन सी वाली हो गई, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जो भी डिवाइस होगा, अगर मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग होगा, और अगर क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग है तो कौन सी होगी, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट आएगा, ठीक है। इतनी बात, अब जरा देखते हैं, आप देखो जरा, हमने क्या करा, एक मैंने कनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। इतनी बात, ये इस कनकेव मिरर का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक वेव फ्रंट आ रहा है कहां से, इंफिनिटी से, कैसा आ रहा है, इंफिनिटी से, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये आ गया हमारे पास, देखो ये आया कि नहीं आया, पहले बताऊं, ये सुनो, ये ही आ रहा है, रेज कैसे आ रही होंगी, पैरेलल, ठीक है। और ये हमारा इंसिडेंट क्या हो गया, वेव फ्रंट, ठीक। अब आप एक चीज देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसी मोमेंट पर रिफ्लेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, इसी मोमेंट पर रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन ये पॉइंट जो वेव का है, या ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये अभी आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, अरे आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ठीक है। इतनी बात, तो अगर ये आगे चलेंगे तो जरा देखो, अगले मोमेंट पे जैसे, क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन में इधर तो मीडियम क्या होता है, सेम ही होता है, रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम होता कि नहीं होता, पहले बताऊं, मीडियम सेम होता है। तो अगर ये पॉइंट इधर इतना डिस्टेंस चलता है, तो ये पॉइंट इधर पीछे उतना ही डिस्टेंस चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। तो जरा देखो, कुछ समय बाद जब ये पॉइंट यहां पहुंचा, तो ये पॉइंट यहां पहुंच गया, उतना ही चल के
सेम वे ये वाला पॉइंट भी उतना ही चल के यहाँ पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है इतनी बात। अब अगर हम ट्रेस बनाते हैं, ठीक है इतनी बात, ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी उतना ही चलेगा, कितना इधर और कितना इधर, कहीं यहाँ आ जाएगा। ये डिस्टेंस एक्स है तो ये एक्स से थोड़ा सा कम है और इधर उतना ही, फिर इधर करके एक्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर मैं इन सबका ट्रेस बनाता हूँ तो जरा देखो क्या बन रहा है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमारे पास कुछ ऐसी बन रही है। ये बन रही है कि नहीं बन रही है? अब अगर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे बन रही है तो रेज इसके क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। रेज अगर इसके नॉर्मल होंगी तो जरा देखो रेज कैसे आ रही है, रेज इसके परपेंडिकुलर, तो जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। अरे यस और नो, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से बन गया डायग्राम। हम पहले रे वाला पढ़ते थे कि इंसिडेंट आया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है इतनी बात। अब मैं सिर्फ किससे पढ़ रहा हूँ, वेव फ्रंट से, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये वाला कैसा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये येलो वाला, क्लियर है इतनी बात, नोट करो इसे। क्योंकि आपसे कई बार सिर्फ वो शेप पूछ लेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद शेप क्या हो रहा है वेव फ्रंट का। हो गया भाई, इसी तरीके से अगर आप कन्वेक्स मिरर लेते हो उसके लिए बना देता हूं। उससे पहले यहां पर एक चीज कर लेंगे, आपने एक चीज पढ़ी है कि अगर कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं क्यों, वो वेव फ्रंट से पढ़ के देखते हैं, ठीक है। पहले हमने किससे पढ़ा, रे ऑप्टिक्स से, मिटा दूं इसे, मिटाऊं भाई, कन्वेक्स पहले किसी को देख लेते हैं, कनकेव को एक बार, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, कहां पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेगी यहां पर ओ है, वो कैसे निकलेगी जरा बताना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कैसे निकलेगी, स्फेरिकल निकलेगी, ठीक है। चलो देखो ये है ना, ये वेव फ्रंट। अब एक बात बताओ, ये वेव फ्रंट जब जा रही है तो ये भी, ये जो स्फीयर है जिससे मिरर बनाया उसका भी सेंटर यही है कि नहीं, तो दोनों का सेंटर है सेम, यहीं पर ऑब्जेक्ट है, इससे वेव फ्रंट निकल रही है और इसका सेंटर भी यही है। तो एक बात बताऊं, इस वेव फ्रंट को इस डायरेक्शन में थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, एक और एक बात, जब ये वेव फ्रंट यहां पर पहुंची तो हर पार्टिकल इसका एक ही मोमेंट पे क्या कर रहा है, मिरर को स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एक ही मोमेंट पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मिरर को स्ट्राइक एक ही मोमेंट पे कर रहा है, तो एक ही मोमेंट पे क्या करेगा, वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो बिल्कुल इसी शेप में आएगा कि नहीं आएगा, इसी शेप में आएगा, तो कहां कन्वर्ज करेगा, इसी जगह पे कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था स्फेरिकल मिरर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा स्फेरिकल मिरर के, तो इमेज भी क्या करते हैं, उसी जगह पर बन गई। क्योंकि जरा देखो ये वाली हो गई कौन सी, इंसिडेंट वेव फ्रंट,
और ये रिफ्लेक्टेड आने लगे। ये देखो जरा, अब जो रिफ्लेक्टेड आ रहा है इसका वेव फ्रंट कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। सेम समय पे सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहां कन्वर्ज करेगा जरा बताना, कौन से पॉइंट पे, सेंटर पे। इस वजह से इमेज भी कहां पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये कहानी थी। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर अ कनकेव मिरर। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि एक ही समय पर क्या हुआ, एक ही समय पे जो इंसिडेंट वेव फ्रंट थी रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हो गया भाई। इसके बाद अगला देखें, अगला देखें। मान लो हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ये सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, लिखेंगे। अब वेव फ्रंट कहां से आ रही है, अगेन इंफिनिटी से। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा आ गया, सपोज ये आ गया इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब एक बात बताओ यार, ये पॉइंट तो अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट पहले क्या चलेगा, आगे चलेगा, हाँ या ना? और फिर किधर आएगा, पीछे। तो जितना ये आगे चलेगा, मान लो किसी मोमेंट पे यहाँ पहुंचा, तो उस मोमेंट पे ये कितना ही क्या आ चुका होगा, इधर आ चुका होगा, इधर आ चुका होगा। अरे यस और नो? ठीक है, सेम वे ये पॉइंट जब यहाँ पहुंचेगा तो ये पॉइंट यहाँ रहा होगा, ऐसे ही है कि नहीं? अब अगर मैं इन सबका ट्रेस बनाऊं तो देखो क्या बनता है। ये बन गया हमारा ट्रेस। अब ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और जो रेज होंगी इसकी वो कैसे होंगी, नॉर्मल टू दिस, यस और नो? ऐसी हो गई कि नहीं हो गई? तो इसी तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। आप देखो, अगर ये इंसिडेंट रे आया ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करो। अरे क्लियर है? ठीक है, तो बिल्कुल सेम वे बन रहा है, लेकिन अब हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं इस चीज को, वेव फ्रंट से पढ़ रहे हैं, ना कि हम एंगल आई बराबर एंगल आर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ भी वही रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो हो गया, जब हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। मैंने सिर्फ एक केस लिया, कौन सा वाला, जब इंसिडेंट वेव फ्रंट कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। कुछ और भी दे सकता है आपको, जैसा भी हमने करा था कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लिखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन वाली वेव फ्रंट्स अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले ये चीज पढ़ लें ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। Thank you.
हमारे पास यहाँ पर ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, स्पीड वी वन, इसमें ये म्यू टू, इसमें स्पीड लाइट की, ऐसा कुछ। हमारे पास इन्फिनिटी से एक वेव फ्रंट आ रहा है, क्या आ रहा है, वेव फ्रंट फ्रॉम द इन्फिनिटी। अच्छा, इनमें से किसी एक को रेयर मान लो, किसको डेंसर, ऊपर वाले को रेयर मान लेते हैं, नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, डेंसर। ये कैसा रेयर और ये कैसा डेंसर, इसका मतलब वी टू लेस देन वी वन या म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, ये मतलब हुआ इसका, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई स्पीड कम हो गई तो वी टू लेस देन वी वन यानी कि डेंसर हो गया और म्यू टू ग्रेटर देन, कोई दिक्कत नहीं। अब एक वेव फ्रंट आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी से, सपोज ये वेव फ्रंट आ, ठीक है, ये वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, इसकी रेज भी बना देता हूँ, ठीक है, रेज डैश डैश बना देता हूँ, ये रेज हो गई इसकी और ये क्या आ गया, देखो इसकी थिकनेस वेव फ्रंट की टी आई या टी आई की जगह कुछ और देखते हैं जेड आई, क्या है जेड आई, ठीक है। मुझे स्नेल्स लॉ भी प्रूव करना है और दूसरे मीडियम में ही बात करनी कैसे करें, ठीक है, इतनी बात। अब जरा एक ही वेव फ्रंट है, अभी एक ही वेव फ्रंट है ना, एक ही वेव फ्रंट है तो हर पार्टिकल का फेज क्या है, सेम है, पहले बताओ। अरे प्लेन के ऊपर है तो हर पार्टिकल का फेज क्या है, सेम, ठीक। अब एक काम और कर लेते हैं, ये मैंने बनाया नॉर्मल, बन गया। एक बात बताओ, ये एंगल आई होगा या नहीं होगा, होगा भाई, ये एंगल आई होगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, क्योंकि रे और वेव क्या होती है, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होती है, ये 90 माइनस आई होगा तो ये कितना होगा भाई, आई होगा कि नहीं होगा, तो वेव फ्रंट जो इंटरफेस के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जबकि रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ क्या होता है, इंसिडेंस होता है। इतना सा अंतर है, रे किसके साथ बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ, और वेव फ्रंट किसके साथ बना रही है, इंटरफेस के साथ, क्लियर है। अब ये आ गया, अब आप एक चीज देखो, अब ध्यान सुनना भाई, ये पॉइंट तो इस मीडियम में पहुंच गया है, किसमें, नीचे वाले में, किसमें, डेंसर में, लेकिन ये पॉइंट अभी भी किसमें चल रहा है, रेयरर में चल रहा है, हाँ या ना। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंपेयर करूं, एक बात बताऊं, तो ऊपर वाला पॉइंट किसमें चल रहा है, रेयरर में, और ये वाला पॉइंट किसमें चला गया, डेंसर, हाँ या ना, कौन सा तेज चल रहा होगा, ऊपर वाला पॉइंट तेज चल रहा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं, ऊपर वाला पॉइंट टी टाइम में कितना चल गया, वी वन टी, इतना चल गया, ठीक है। क्या इतना ही डिस्टेंस ये भी चलेगा, नहीं, ये थोड़ा सा क्या करेगा, कम चलेगा, ठीक, चला देते हैं। ये चला कितना, V2 T, चल गया कि नहीं चल गया, हाँ या ना। अच्छा एक बात और, ये वाला पॉइंट भी तो अभी इसी में चल रहा है, ये भी कितना चलेगा, V1 T, अभी चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले बताऊंगा, V1 T चलेगा कि नहीं चलेगा,
सेम ये वाला पॉइंट भी v1t चलेगा, ये वाला पॉइंट भी v1t चलेगा, हाँ या ना। अब जरा देखो जो ये v1t चल रहे थे इस मीडियम में, ये वेव फ्रंट है या नहीं, हाँ या ना, ठीक है। और इस मीडियम में थोड़ा बराबर बन गया क्या दोनों, ये और ये बराबर दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है ना पक्का, और इधर आ जाओ, मैंने इतना ही बना दिया ठीक है, जानबूझ के और छोटा कर, ठीक। अब एक बात बताओ ये इस समय की वेव फ्रंट का शेप है या नहीं है, ये सारे पार्टिकल तो v1t चले कि नहीं चले, और ये वाले पार्ट, ये वाला पार्टिकल v2t चला, ये यहां से एंटर किया तो थोड़ा सा और कम चला, बाद में एंटर किया ना, तो किसी भी समय पे वेव फ्रंट का शेप क्या रहा है, ये आ रहा है, थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया, ये किसी टाइम पे है, पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है इतनी बात। लेकिन जो फेज इसका है, अगर इस पूरे वेव फ्रंट का फेज जीरो था तो इसका भी जीरो है और इसका भी क्या है, जीरो है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन के दौरान फेज चेंज नहीं होता है, ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब यानी कि ये एक पूरी चीज, ये पूरा ड्रामा क्या है, वेव फ्रंट एट एनी टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये वेव फ्रंट, ठीक है इतनी बात। चलो अब हम उस समय बात करते हैं जब ये पूरी वेव फ्रंट किसमें एंटर कर गई, इसमें एंटर कर गई, अभी तो देखो अभी पूरी एंटर नहीं की है, अभी कितना हिस्सा एंटर किया वेव फ्रंट का, इतना हिस्सा किसमें एंटर किया है, डेंसर में, बाकी अभी भी किसमें है, रेयर, ठीक है बना लिया इतना सबने, और यहां पर भी देख लो एक मिनट ध्यान सुनना, ये एंगल क्या है आर है, ठीक है ये एंगल कितना 90, क्योंकि रे के एक बेसमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये कितना 90 माइनस आर, ये कितना हो गया, मैंने बताया था बेसमेंट जो भी एंगल बनाएगा इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन वाला वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेस, ठीक है इतनी बात हो गया भाई। हो गया कोई दिक्कत है इसमें? अब हम इसी ड्रामे को पूरा का पूरा दूसरे मीडियम माने देते हैं, जल्दी नोट करो, चलो बना लिया सबने, बना लिया ना भाई, चलो अब इसी चीज को हम दोबारा देखते हैं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है इतनी बात, इसकी थिकनेस कितनी जेड आई, रेज भी बना देता हूं इसकी, इंसिडेंट रेज हो गई है, टू बढ़ा किससे, वन से, मतलब नीचे डेंसर। अब जरा देखो ध्यान से बेटा एक बात,
ये जितनी देर में यहां पहुंचेगा उतनी देर में ये यहां कम चलेगा कि नहीं चलेगा पहले बताओ। ठीक, चलो इसे पहुंचा दो। ठीक है, कितना हो गया वी वन टी? तो ये भाई उतने समय में इतना चला मान लो, एंड दिस इज व्हाट बेटा वी टू टी। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, अब जो वेव फ्रंट आई, ठीक है, फेज इसका भी जीरो है और इसका भी क्या है, जीरो। मैंने कहा था रिफ्रैक्शन के कारण फेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब जरा देखो इन दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये फाइनली रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यस सर। ठीक है, ये एंगल आर है तो ये एंगल क्या हो गया, आर हो गया, और ये हमारा जेड इंसिडेंट था, ये जेड रिफ्रैक्टेड है। क्लियर इतनी बात? ठीक है भाई, अब आपने स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करो, यहां से लेके यहां तक को हम डी मान लेते हैं। डी मान सकते हैं, नहीं मान सकते, कुछ भी मान ले। अब आप एक काम करो, साइन आई ऊपर वाले ट्राइंगल में ध्यान से सुनो, ये एंगल 90 है या नहीं पहले बता दो मुझे, 90 है या नहीं है। साइन आई इज इक्वल टू वी वन टी अपॉन डी। हाँ या ना? अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि साइन आई इज अपॉन वी वन इज इक्वल टू टी अपॉन डी। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो भाई। अब इधर आ जाओ, साइन आर इस वाले ट्राइंगल में वी टू टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन आर अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी अपॉन डी। हाँ या ना? अरे यस और नो, एक बात बताओ, ये चीज और ये चीज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन आई अपॉन वी वन इज इक्वल टू साइन आर अपॉन वी टू। दिस इज स्नेल्स लॉ इटसेल्फ। है यानी स्नेल्स लॉ? तो बोलो यार। ठीक है, सौरभ मैं भिजवा दूंगा अभी। ठीक है, जैसे क्लास से करूंगा। ठीक है, मैं अभी क्लास में हूँ 12 बजे तक या 1:30 बजे तक, ये दिक्कत है। हाँ ठीक 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 ठीक। अब देखो भाई ये आ गया, अब जरा ध्यान दो, अब हम वी वन को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी वन, वी टू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी टू। तो क्या हो गया, साइन आई म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। यस सुनो, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? अब एक और सवाल पूछना था इसी में, हो गया मुझे। अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट की थिकनेस गिवन है दैट इज जेड आई और रिफ्रैक्टेड की क्या है, जेड आर, तो अब मुझे यह बताना है कि जेड आर जेड आई से बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। पराग ने बराबर लिखा है, मतलब मेरा सवाल, मेरे पास तीन ऑप्शन है, जेड आर इक्वल टू जेड आई, जेड आर ग्रेटर देन जेड आई, जेड आर लेस देन जेड आई। तीन ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान दे, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बराबर होना चाहिए था, अब तो छोड़ के आ जाए क्वेश्चन। हाँ क्या है, डायग्राम देख के मत कहना। ठीक है,
तुम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हो, ठीक है, क्योंकि तुमने ढंग से पढ़ा नहीं पिछले साल, ये सारी बातें बताई भी। जेड आर इस केस में बड़ा होगा जेड आई से, क्यों होगा बड़ा वो देख लो भी, आपको दो मिनट में मिल जाएगा। मिटा दूं इसे, ढंग से पढ़ा होता ना तो यहाँ नहीं बैठ, तो हम कॉलेज में होते अभी तक, एडमिशन मिल गया होता। अब सुनो, अब क्या कहानी है, सारी बातें करा रखी है तो भी अटक रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से, आप ऐसे देखो ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो। अच्छा एक बात बताओ, हम कहां से जा रहे हैं, रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर जा रहे हैं, तो एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, मानते या नहीं मानते? हाँ या ना, ठीक है, फॉर रेरर टू डेंसर, ठीक है। अब आप एक काम करो, मैंने क्या करा, कॉस आई इज जेड आई अपॉन डी, जेड आई अपॉन डी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो कॉस आई जेड आई इज इक्वल टू डी कॉस आई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल में कॉस आर इज इक्वल टू डी आर अपॉन, सॉरी जेड आर अपॉन डी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना। अब आप एक बात बताओ, अगर एंगल बड़ा है तो कॉस क्या होता है, छोटा है या बड़ा? तो ये कॉस आई की वैल्यू कॉस आर से छोटी है या नहीं? अब ये जब एंगल छोटा तो कॉस की वैल्यू क्या बड़ी, हाँ या ना, तो ये वैल्यू बड़ी आ रही कि नहीं आ रही है? तो जेड आर क्या हो गया, ग्रेटर देन व्हाट, जेड आई। तो अगर मैं रेशियो लेता हूँ ना, तो जेड आर अपॉन जेड आई इज इक्वल टू कॉस आर अपॉन कॉस आई, न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं है, हाँ या ना, तो यहां पर अपने आप प्रूव हो गया दिस इज ग्रेटर देन व्हाट, वन, देयरफॉर जेड आर ग्रेटर देन जेड आई, ठीक है अपनी बात। तो अब खेल क्या हो गया, नोट कर लिया सबने, करो जल्दी से, लिखो हो गया भाई। देखो अगर एंगल छोटा होता है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, तो अपने आप आ गया न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन व्हाट, डिनोमिनेटर तो ग्रेटर देन क्या हो गया, वन हो गया। अब तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वेव फ्रंट रेरर से डेंसर में जा रही है तो थिकनेस ऑफ वेव फ्रंट विल व्हाट, इंक्रीज। उल्टा होगा अगर हम डेंसर से रेरर जाएं, अगर डेंसर से रेरर जाएंगे तो वेव फ्रंट की थिकनेस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो लिखो जरा, लिखो लिखो, थिकनेस ऑफ वेव फ्रंट इंक्रीजेस इफ इट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर, थिकनेस ऑफ वेव फ्रंट इंक्रीजेस इफ इट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरी चीज, थिकनेस ऑफ वेव फ्रंट डिक्रीजेस इफ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, थिकनेस ऑफ वेव फ्रंट डिक्रीजेस इफ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और चीज भाई, अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता वेव फ्रंट का, एंगल आई जीरो होता तो एंगल आर भी क्या होता, जीरो, तो दोनों जीरो हो गए, कॉस जीरो अपॉन कॉस जीरो, यानी कि वन अपॉन वन कितना आ जाता, वन, तो जेड आर विल बी इक्वल टू व्हाट, जेड आई। तो लिखो जरा, बट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस थिकनेस ऑफ वेव फ्रंट रिमेन्स अनचेंज्ड, थिकनेस ऑफ वेव फ्रंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अब मैं एक ऐसी ऑप्शन पूछ रहा हूं, ट्रू है या फॉल्स है,
मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, वेव फ्रंट ऑफ थिकनेस टी पासिस फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, रेरर टू डेंसर मीडियम, देन इट्स थिकनेस इंक्रीजेस. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैंने सिर्फ इतना सा पूछा, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है भाई, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो भाई तुम्हारे बायो में ऐसे सवाल आते हैं और क्या आते हैं, ठीक है, फिजिक्स में तो नहीं आता लेकिन बायो में ऐसे आते हैं. ये जब मैंने कुछ बोला ही नहीं एंगल के बारे में तो इट मीन्स इट इज नॉट जनरली ट्रू, ठीक है. हाँ अगर मैं कहता कि नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तो हमेशा क्या हो जाता, सही हो जाता. क्लियर है इतनी बात? तो आपको सवाल भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भी क्या पूछ रहा है, ठीक है, इतनी बात. अब ये बात हो गई, आगे देखते हैं. प्रारंभिक अंग्रेजी सीख ले, ठीक है, मेरी अंग्रेजी सीख ले. मैंने सही स्टेटमेंट बोला था, मैंने क्या बोला था, इफ क्या कहते हैं वेव फ्रंट रेरर से डेंसर जाती है तो उसकी थिकनेस हमेशा बढ़ेगी, मैंने ये बोला था, है ना, या उसकी थिकनेस बढ़ेगी, इतना भी बोल दो तो भी बनता है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है. हाँ इसमें अगर हम एक केस हटा दें नॉर्मल इंसिडेंस वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है, ठीक है. अब देखो भाई, अब हम रिफ्रैक्शन में देखेंगे, ठीक है, इतनी बस शेप्स ऑफ वेव फ्रंट. तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑन लो एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहां म्यू और यहां एयर, एक इंफिनिटी से वेव फ्रंट आ रही, यानी कि यार हाँ यार पक्का. अब आप एक बात बताओ यार, ये जो पॉइंट है ये अभी भी किसमें है, एयर में है, लेकिन ये पॉइंट किसमें चला गया, तो मीडियम वाला पॉइंट क्या करेगा, स्लो चलेगा, और एयर वाला क्या करेगा, तेज चलेगा, ठीक है. इतनी बात, तो एयर वाला अगर यहां पहुंचता है किसी समय पे और मीडियम वाला तब कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा. अरे भाई कुछ हिस्सा वो एयर में तेज चला हुआ ना, तो नहीं, ये यहां पहुंचा तो ये वाला कहां पहुंचा, यहां पहुंचा भाई. अरे मीडियम में आ गया तो मीडियम में स्लो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सुनो, ठीक है. तो अब जरा देखो एक मिनट, जो हमारी वेव फ्रंट का शेप बनेगा फाइनली, ये हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारी कौन सी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है. इतनी बात आगे कैसे पहुंच गया, क्यों आगे जाएगी नहीं क्या सर, आगे जाएगी. ये आगे भी तो जाएगा अगले मोमेंट पे, वेवलेट्स के क्या यहाँ पर ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे भाई, हम तो अगले मोमेंट का बना दिए. अब ये वेव फ्रंट और ऐसे हो जाएगी बाद में, और ऐसे हो जाएगी, ऐसे इसकी क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएंगी, कहीं ना कहीं क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा. तो ये सुनो, ठीक है, इतनी बात. ये हमारा क्या आ गया, वेव फ्रंट आ गया. और देख लो भी बहुत बता देता हूँ, जिसमें दिक्कत आ रही है ऐसा वाला, मान लो हमारे पास ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, सॉरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये स्फेरिकल क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर एयर और इधर क्या, मीन. अब ये हमारे पास वेव फ्रंट आ गया, कुछ आ गया, ये वेव फ्रंट. अब एक बात बताओ, जिस मोमेंट पे ये पॉइंट यहां पहुंचेगा उस मोमेंट पे ये पॉइंट तो यही होगा कि नहीं होगा, उधर मीडियम आ गया, हाँ या ना. तो अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा, तो अब जो रेंज होगी ऐसी होंगी कि नहीं होंगी, हाँ या ना. तो क्या बन गया हमारे पास, ये कुछ इस टाइप का शेप बन गया, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है. लेंस में आ जाओ, आपको लेंस में ही बता देते हैं, ये आपका लेंस है,
और ये हमारे पास आया वेव फ्रंट। अब एक बात बताओ, ये एयर में भी चल रहा है ठीक है, इतनी बात, फिर मीडियम में चल रहा है, फिर एयर में चल रहा है, और ये पूरा क्या कर रहा है, मीडियम में चल रहा है। एक बात बता, जब ये पॉइंट यहां पहुंचेगा तो ये पॉइंट थोड़ा आगे पहुंचा हुआ होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ ठीक है। तो अब अगर मैं वेव फ्रंट बनाता हूं, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा देखो रेस कैसी होगी, कन्वर्जिंग होगी कि नहीं होगी ठीक है। इतनी बात, इसी तरीके से अगर आप इसको लेते हैं, इसमें डाइवर्जिंग आ जाएगा, देखो जरा क्यों आ जाएगा, देखो ये हमारे पास वेव फ्रंट इंफिनिटी से आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये मीडियम में चल रहा है तो स्लो चलेगा, लेकिन ये वाला बीच वाला पॉइंट क्या करेगा, तेज चलेगा। अब जरा देखो एक मिनट, बीच वाला पॉइंट जब यहां पहुंच गया तो ये वाला पॉइंट भाई यहां होगा, ये वाला पॉइंट यहां होगा। तो अगर मैं अब इसका ट्रेस बनाता हूं, कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो अब रेस कैसी हो गई, डाइवर्जिंग हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर इतनी बार। तो इस टाइप से बनती है सारी वेव फ्रंट्स ठीक है। और यही पूछता भैया, अब वो पुराने ढर्रे पे नहीं जाएगा कि कैसे क्या करना है, वो सिर्फ शेप ऑफ वेव फ्रंट पूछ लेगा, वही खेल खत्म कर देगा ठीक है। इतनी बार बनाओ सारे के सारे ठीक है। प्रिज्म भी देख लो आप, प्रिज्म भी आना चाहिए, देखो प्रिज्म है, ये वेव फ्रंट है। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है यहां पहुंचने में बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन ये पॉइंट तब तक में कहां पहुंच गया होगा, आगे पहुंच गया होगा यहां, अभी ये यहां पहुंच गया होगा, और ये भाई यही होगा तब तक में, ये सुनो, क्योंकि वो किसमें चल रहा है, ज्यादातर एयर में चल रहा है, और ये किसमें चल रहा है, मीडियम में। तो अब अगर मैं वेव फ्रंट बनाता हूं तो जरा देखो वेव फ्रंट क्या कर गई, बेंड कर गई कि नहीं कर गई, टुवर्ड्स व्हाट, लार्जर बेस, अरे वेव फ्रंट डिविएट कर गई कि नहीं कर गई टुवर्ड्स लार्जर बेस, देखो जरा रेज इसकी कैसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी रेज, हाँ ऐसे रही थी, कर गई डिविएट कि नहीं कर गई, अरे क्लियर है ठीक है। तो ये कहानी आ गई, सारी चीजें होती हैं बिल्कुल वेव फ्रंट के टर्म्स में ठीक है। चलो कल बात करेंगे, नोट करो इसे।